सुप्रभात, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना से पाठ चार नाम वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण एवं रचना से, उसे हिंदी फर्स्ट भी कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग के पास अपनी अपनी पुस्तकें होंगी, तो आप सभी लोग अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। देखिए हिंदी व्याकरण एवं रचना पाठ चार पेज नंबर 17। देखिए बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। प्रस्तुत चित्र में क्या क्या दर्शाया गया है? देखिए, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। श्यामपट्ट, कुर्सी, टेबल, रजिस्टर, डस्टर, चौक, खिड़की, दरवाजा इत्यादि। देखिए बच्चों, आइए आज हम जानेंगे नाम वाले शब्द। सबसे पहले नाम वाले शब्द, जैसा कि आपको पता है कि नाम क्या होता है। नाम क्या होता है? इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सबके अपने अपने नाम हैं। जैसे देखिए, जैसे पुस्तक, पेन, हाथ, देखिए चूड़ी, कंगन, चश्मा, सब जो वस्त्र पहनते हैं उसके भी अपने अपने नाम होते हैं। जैसे अगर आप फ्रॉक पहनते हैं तो उसका भी एक नाम है। अगर आप पैंट और शर्ट पहनते हैं तो उसका एक नाम है। आपके अध्यापक अगर साड़ी पहनती है तो क्या है? साड़ी। ये क्या है? आई कार्ड। सबके अपने अपने नाम होते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है? ये मार्कर, ये बोर्ड, ये टेबल इत्यादि। समझ में आया? इसे ही नाम वाले शब्द कहते हैं। नाम वाले शब्द किसे कहते हैं? जो किसी का नाम हो, जो किसी का नाम हो। जैसे महात्मा गांधी किसी का नाम है तो महात्मा गांधी क्या हुआ? नाम वाला शब्द। देखिए महात्मा गांधी जैसे किसी का नाम हुआ तो इसे ही कहेंगे नाम वाले शब्द। और वो जो नाम वाले शब्द को संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, नाम वाले शब्द को संज्ञा भी कहते हैं। नाम वाले शब्द को संज्ञा भी कहते हैं। देखिए इस चित्र को देखिए। इस चित्र में क्या है? पेड़ है, घर है, पर्वत है, सूरज है, नाव है, चिड़िया है इत्यादि। ठीक है, सबके अपने अपने नाम होते हैं और नाम वाले शब्द को संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। आइए हम जानते हैं आगे। देखिए अपनी पुस्तक में, अपनी पुस्तक आपकी पुस्तक में है। सबसे पहले व्यक्तियों के नाम। क्या होता है व्यक्तियों का नाम? व्यक्ति मतलब वह या किसी व्यक्ति या किसी इंसान, किसी आदमी का नाम, या किसी बच्चे का नाम, या किसी आदमी का नाम, या किसी औरत का नाम, ठीक है, या किसी लड़की या लड़के का नाम, उसे कहेंगे व्यक्तियों के नाम। जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, आपके अपने खुद के नाम, जैसे वैष्णवी, हार्दिक, कार्तिकेय, मेरे अपने नाम, ठीक है, इसे कहेंगे नाम वाले शब्द। देखिए जैसे महात्मा गांधी आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, महात्मा गांधी, संत मदर टेरेसा, दलाई लामा, रवीन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए स्थानों के नाम। क्या कहते हैं स्थान के नाम? स्थान किसे कहते हैं? स्थान उसे कहते हैं जहाँ हम रहते हैं। हम और आप कहाँ रहते हैं? जैसे मिर्ज़ापुर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कहाँ पढ़ा रही हूँ? जहाँ भी पढ़ा रही हूँ उसका, उस जगह का नाम। जैसे मैं अभी आपको अपने घर से पढ़ा रही हूँ तो क्या हुआ? ये क्या है? घर। ठीक है, ठीक है बच्चों। वैसे ही मिर्ज़ापुर, अगर आपको कहीं जाना है, अगर आप बनारस गए तो वो भी एक जगह का नाम हुआ, स्थान का नाम। तो स्थानों के भी अपने नाम होते हैं। हम मिर्ज़ापुर में रहते हैं तो हम जहाँ रहते हैं उसका भी एक अपना अलग नाम है। जैसे मिर्ज़ापुर,
और जैसे हुआ किस राज्य में रहते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। किस देश में रहते हैं, देश का भी अपना एक नाम होता है। चलिए बताइए बच्चों, हम किस देश में रहते हैं? हम रहते हैं अपने भारत देश में। जो भारत में रहता है, भारत देश, जापान, चीन, अमेरिका इत्यादि। ठीक है बच्चों, देखिए दूसरा, दूसरे चलते हैं वस्तुओं के नाम। अपने पुस्तक में देखिए, दूसरा है वस्तुओं के नाम। क्या होता है वस्तुओं का नाम? जैसे कुर्सी, चित्र, चादर, पेन, बर्तन, कटोरी, गिलास इत्यादि। ठीक है, वस्तुओं के भी अपने अलग नाम होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अपनी पुस्तक में दिया हुआ है, देखिए पशु पक्षियों के भी अपने अलग नाम होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कोयल, मोर, कौवा, चिड़िया, तोता इत्यादि। सबकी अपनी 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 एक अलग नाम होते हैं। दूसरा देखिए, पेड़ पौधों के नाम। पेड़ पौधों के भी अपने अलग नाम होते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि यह किस चीज का पेड़ है, तो आप क्या बताएंगे? जब आपको उस पेड़ का नाम पता होगा, तब आप बताएंगे कि हाँ ये आम का पेड़ है। किस चीज का पेड़ है? आम का पेड़। अगर आप कहेंगे कि ये पेड़ है, तो किस चीज का पेड़ है, तो आप आंसर देंगे कि वो आम का पेड़ है या नीम का पेड़ है इत्यादि। देखिए फलों के नाम। फलों के भी अपने अलग अलग नाम होते हैं, जैसे केला, सेब, अमरूद, आम इत्यादि। ठीक है, दूसरा देखिए नदियों के नाम, अनाजों के नाम, दिनों के नाम और देशों के नाम। ठीक है बच्चों, आप इसे पढ़ेंगे और मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इस लेसन का होमवर्क सेंड करूंगी, जिसे आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है बच्चों, और करके उसे याद करें। ठीक है बच्चों, और इस लेसन को आप, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस लेसन को आप अपने घर पे पढ़ेंगे और एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और जो वर्ड आपको नहीं समझ में आता है वो वर्ड आप अपने गूगल मीट क्लास में उससे पूछेंगे। ठीक है बच्चों, इसे पढ़िए और अपने होमवर्क को लर्न करिए, याद करिए, और गूगल मीट में मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे उसका आंसर देंगे। ठीक है बच्चों, लेसन 4 आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।